हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज का स्लीव डिजाइन। तो यहाँ पे पहले मैं अस्तर वाले कपड़े पे कटिंग कर ली हूँ जितना मुझे कपड़ा चाहिए। अब जिस हिसाब से बाजू की कटिंग करते हैं ना, उसी हिसाब से इसको भी कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो जो कपड़ा है अस्तर वाला, उसको डबल में फोल्ड करने के बाद यहाँ पे मैं लंबाई ली हूँ 11 इंच, और डबल में फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। तो अगर खोल कर देखें तो 18 इंच है। अब ये देखिए, यहाँ से जो 3 इंच का डाउन है वो देते हैं, आर्म होल की जो छटाई करते हैं ना, उसके लिए 3 इंच पर मार्किंग की हूँ। और बाजू की जो फिटिंग है वो 5.5 इंच पर रहेगा। आप अपने बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से ही मार्किंग करें। यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख रही हूँ। 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख सकते हैं। जितना आप ब्लाउज या सूट में जो भी बना रहे हैं उसका मार्जिन छोड़ते हैं फिटिंग का, उतना ही आपको बाजू में भी रखना पड़ता है। अब ये देखिए, ऊपर से जो आर्म होल की फिटिंग है उसका भी मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे 7.5 इंच है, उसको भी मार्किंग करके और इस तरीके से सारे मार्किंग को आपस में मिलाते हुए यहाँ पर देखिए निशान लगा लेना है। ये देखिएगा, इसी तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब ऊपर के साइड से यहाँ पे 2.5 इंच पे छोड़ करके एक मार्किंग करनी है। अब यहाँ से हल्का हल्का गोलाई देते हुए इस तरीके से बाजू का शेप देते हुए हम मार्किंग कर लेंगे। अब जिस तरीके से मार्किंग हुआ है उसी तरीके से हम इसको कट कर लेते हैं। ध्यान रहे, जो बाहर वाला लाइन है वहीं से कट करना है, अंदर वाले लाइन से कट नहीं करना है, क्योंकि अंदर वाले लाइन से हमारा फिटिंग का लाइन निशान लगा हुआ है। अब ये देखिए, बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब इसी को रख करके और फिर जो आपका मेन कपड़ा है उसको भी कट कर लें। तो चलिए, सबसे पहले हम मार्किंग करते हैं डिजाइन बनाने के लिए। तो नीचे से मैं 1 इंच पर मार्किंग की हूँ, नीचे से 1 इंच छोड़ करके, और फिर ऊपर से भी 1 से 1.5 इंच छोड़ना है। ये देखिए, ऊपर के साइड से भी जहाँ से शोल्डर है वहाँ से भी 1.5 इंच में छोड़ी हूँ। अब बीच का जो कपड़ा जितना बच रहा है उसका मार्किंग लेते हैं। तो ये देखिए, बीच में बिल्कुल यहाँ पे बच रहा है 9 इंच, तो 3 इंच पे एक मार्किंग करूँगी और 3 इंच पर ही दूसरा मार्किंग। तो ये देखिए, 3-3 इंच का यहाँ पर 3 बॉक्स बन करके रेडी हो जाएगा। देख, ऊपर के साइड से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था तो उसको मैं ऐसे ही ले ली हूँ। अब ये जो 3 इंच का बॉक्स है ना, उसका सेंटर निकालना है। तो आप चाहें तो इसी तरीके से सिंपल तरीके से 1.5 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका इसका सेंटर निकालने का, इस तरीके से मेजर टेप को 3 इंच पे रखना है। तो बिल्कुल इसका फिक्स मेजरमेंट सेंटर निकल जाएगा, और इस तरीके से बिल्कुल 3 इंच के बीच में सेंटर की मार्किंग के लिए निशान लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब जो 3 इंच के बीच में जो मार्किंग हुआ है वहाँ पर इसकी गहराई हमें रखना है 1 इंच। ये देखिए, तीनों बॉक्स में 1-1 इंच पे मार्किंग यहाँ पे कर लेना है। आप अगर और ज़्यादा ब्रॉड बनाना चाहते हैं तो इसमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। 1.5 इंच से ज़्यादा ना लें गहराई, नहीं तो फिर ज़्यादा ही ब्रॉड हो जाएगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अब ये देखिए, यहाँ पे जो निशान लगा हो उसको इस तरीके से दोनों साइड से मिलाते हुए हल्का सा घुमाव देते हुए, राउंड शेप देते हुए हम मार्किंग कर लेंगे, यानी कि पत्ती के शेप देते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है। इसी तरीके से तीनों बॉक्स में मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए गाइस, जिस तरीके से मैं मार्किंग कर रही हूँ, निशान लगा रही हूँ, बस उसी तरीके से निशान लगा लेना है। तीनों बॉक्स में यहाँ निशान लग करके रेडी हो चुका है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो बस सिंपल तरीके से इसको कट करना है, अच्छे से शेप देते हुए कट करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये देखिए, यहाँ पे डिजाइन की कटिंग हो चुकी है गाइस। अब इसी कपड़े को रख करके, अस्तर वाले कपड़े को रख करके, अब मेन कपड़े पे भी कटिंग यहाँ पे कर लेना है। ये रहा इसका मेन कपड़ा, इसको भी डबल में फोल्ड करके रख लेना है इस तरीके से। और जितनी बाजू की लंबाई है उतना ही मेन कपड़े की भी लंबाई लेना है। अब डबल में फोल्ड करने के बाद इसी के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखना है अच्छे से सेट करते हुए। ये देखिए, इस तरीके से हम अच्छे से सेट करते हुए कपड़े को रखेंगे और इसको भी कट कर लेना है अस्तर के बराबर ही।
यहाँ पे डिजाइन की भी कटिंग कर लेंगे साइड से कटिंग करने के बाद। और जब अस्तर वाले कपड़े से मेन कपड़े को कट करेंगे तो मेन कपड़े को थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, एकदम बराबर करके कट नहीं करेंगे, अस्तर वाले कपड़े से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव लेना है जो बाजू कटिंग हुआ है वो, और उसका सीधा वाला पार्ट ऊपर के साइड रखना है और उसी के ऊपर हम रखेंगे अस्तर वाला पीस। अब अच्छे से सेट कर लेना है, सेट करने के बाद इसको पिनअप कर लेना है, इसके ऊपर हमें लगानी है सिलाई। अब देखिए यहाँ पे ना जो मेन कपड़ा है ब्लाउज का वो थोड़ा सा ठीक है, मोटा कपड़ा है, इसीलिए मैं बकरम या पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इसको इसी तरीके से यानी कि सिल करके पलट दूंगी तो बाजू का डिज़ाइन बन करके रेडी हो जाएगा, यानी कि बिना बकरम का ये बाजू का डिज़ाइन बना हुआ है। अगर आपका कपड़ा पतला है और ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप बकरम का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब ये देखिए यहाँ पे दो पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई लगा लेना है पूरे डिज़ाइन पे, अच्छे से घुमाव देते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब जहाँ पे नोक बना हुआ है ना, सॉरी गाइस थोड़ा सा गला फंस रहा था, देखिए जहाँ पे नोक बना हुआ है ना वहाँ पे हम सुई जो है मशीन की उसको नीडल जो है अंदर ही रखेंगे और फिर घुमाएंगे बूट को ऊपर उठाते हुए, मशीन का जो बूट है उसको उठा करके घुमा लेंगे कपड़े को। जितना फिनिशिंग से डिजाइन पे सिलाई लगाएंगे उतने ही फिनिशिंग से डिजाइन बन करके रेडी हो जाएगा। पूरे डिजाइन पे सिलाई लगने के बाद बीच का जो जॉइंट है उसको कट करके हटा देना है और पूरे डिजाइन पे हमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं थोड़े थोड़े दूरी पे, ताकि जब हम इसको पलटे तो ये अच्छे से एकदम फिनिशिंग के साथ डिजाइन बन करके रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए गाइस यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, तो ये जो अस्तर का कपड़ा है उसको अंदर के साइड रख देना है, पलट देना है और जितना भी डिजाइन का नोक बना हुआ है उसको अच्छे से हम नोक को अच्छे से निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे उंगली की मदद से निकाल रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी नुकीले चीज़ या कैंची की मदद से भी नोक को अच्छे से निकाल लें। नोक को अच्छे से निकालना ज़रूरी है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आ जाए। अब ये देखिए इस तरीके से इसको पलटने के बाद अब पूरे डिजाइन पे एक पॉइंट जितना कपड़ा छोड़ते हुए और पूरे डिजाइन पर टॉप की सिलाई लगा लेंगे, अच्छे से सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग से। अब ये देखिए गाइस यहाँ पे सिलाई लग चुकी है, मैं सिलाई लगाने के बाद ही दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि बीच में ना थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम कर रहा था इसलिए मैं अच्छे से वीडियो यहाँ पे इसका नहीं बन पाया, सिलाई लगाने के मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। अब ये देखिए जितना भी ओपन पार्ट है, खुला भाग है, उसको भी हम स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर देखिए सिल करके बंद कर लेते हैं। तो पूरे बाजू पर हम इसी तरीके से पूरे किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं। अब बाहर की साइड जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हटा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बाहर के कपड़े को कट करके हटा लेंगे गाइस। अब यहाँ पे मैं एक पट्टी ली हूँ ब्लाउज का जो मेन कपड़ा है उसका, उसकी चौड़ाई है 3 इंच और ये पट्टी को बीच में ज्वाइंट लगा करके मैं बड़ी सी पट्टी तैयार की हूँ, क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा था तो इस तरीके से फोल्ड करके इसको सिल लेना है और सिलने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है बाहर के साइड में उसको कट करके हम हटा लेंगे। अब इससे हम बनाएंगे फ्रिल बाजू के जो बॉटम है ब्लाउज का उस पर लगाने के लिए मोहरी पे, ताकि डिजाइन का लुक और भी अच्छा लगे देखने में। तो ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर के साइड है उसको कट करके पहले हटा लेते हैं। अब साइड से क्या करना है कि 2 इंच जितना छोड़ देना है, क्योंकि जो मार्जिंग है उसमें चला जाएगा, तो इसीलिए इधर फ्रिल। अब यहाँ पे बारीक बारीक जितना हो सकता है आप बारीक फ्रिल बनाएंगे तो बाजू पे ना बारीक फ्रिल ही देखने में अच्छा लगता है। तो मैं एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक फ्रिल बना करके रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए गाइस फ्रिल बन करके रेडी हो चुका है। अब इसको मोहरी पे अटैच करते हैं। तो इस तरीके से रखना है फ्रिल का जो साइड है उसको अंदर के साइड हम रखेंगे और मार्जिंग जो भी है उसको बाहर के साइड रखेंगे और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा करके इसको अटैच कर लेंगे। अब बाहर से जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उसको कट करके हटा लेना है। अब इसका जितना भी मार्जिंग है उसको अंदर के साइड रखेंगे और इसके ऊपर फिर से एक टॉप की सिलाई लगा देंगे।
अब इसके ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ गोल्डन कलर का, आप चाहें तो कोई भी अपने पसंद का लेस लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, बगैर लेस का भी ये अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे देखिए लेस के दोनों साइड में सिलाई लगा देती हूँ। अब ये देखिए फ्रिल बन करके रेडी हो चुका है लग करके। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे दो कपड़े का टुकड़ा ली हूँ, जो मेन कपड़ा है उसी का। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके और पतली सी एक पट्टी यानी कि लूप्स जैसा हम बना करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पे दो लूप्स मैं बना करके रेडी कर ली हूँ। अब इसको यहाँ पे अटैच करना है, जो ओपन पार्ट है ना बाजू के डिजाइन वाला वहाँ पे। अब इसको अच्छे से सेट करके रखेंगे और इसको सिल देंगे, स्टिच कर देंगे। यहाँ पे मैं पहले अच्छे से सेट करके और पिन लगा देती हूँ, ताकि सिलाई लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और सिलाई लगाने में आसानी हो जाए। अब ये देखिए इसी तरीके से सेट करते हुए पिन लगा लेंगे। ये देखिए गाइस इसी तरीके से पिन लगा लेना है। अब दूसरे वाले डिजाइन पे भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे इसको। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा करके पक्का कर देंगे। अब ये देखिए सिलाई लग करके रेडी हो चुका है और ये बन करके भी रेडी हो चुका है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलेगा। इस आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को। और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।